ओम आरह आराध्य के श्री चरणों में कोटि सलाम। मंगल भावना, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ मेरे साथ उच्चारित करें, श्री संपन्नो श्याम, श्री संपन्नो हम श्याम, श्री संपन्नो हम श्याम, श्री संपन्नो हम श्याम, श्री संपन्नो हम श्याम, संपन्नो हम श्याम, संपन्नो हम श्याम, दिति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम, नंदे संपन्नो हम श्याम, नंदी संपन्नो हम श्याम, तेज संपन्नो हम श्याम, तेज संपन्नो हम श्याम, शुक्ल संपन्नो हम श्याम, शुक्ल संपन्नो हम श्याम, मैं आभा संपन्न बनूं, मैं आभा संपन्न बनूं, मैं लज्जा संपन्न बनूं, मैं लज्जा संपन्न बनूं, मैं बुद्धि संपन्न बनूं, मैं बुद्धि संपन्न बनूं, मैं धैर्य संपन्न बनूं, मैं धैर्य संपन्न बनूं, मैं शक्ति संपन्न बनूं, मैं शक्ति संपन्न बनूं, मैं शांति संपन्न बनूं, मैं शांति संपन्न बनूं, मैं आनंद संपन्न बनूं, मैं आनंद संपन्न बनूं, मैं तेजस्विता संपन्न बनूं, मैं तेजस्विता संपन्न बनूं, मैं पवित्रता संपन्न बनूं, मैं पवित्रता संपन्न बनूं। ध्वनि प्रयोग, ओम की ध्वनि 5 बार, लंबा गहरा सांस ले, ओम, ओम
महाप्राण ध्वनि चित्त को ज्ञान केंद्र चोटी के स्थान पर केंद्रित करे, वहां पर होने वाले प्रकंपनों का अनुभव करे, नाक से बौरे के गुंजन की तरह लयबद्ध आवाज 5 बार लंबा गहरा सांस ले। तैयार, हाथ बदली, राइट हैंड नीचे लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट साइड से एक कोहनी गर्दन के पीछे, दो सेंटर में, तीन राइट से बाहर, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार,
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, रिलैक्स। हाथों की अंगुलियों को आपस में लॉक करें, सांस बढ़ते हुए आ, पूरा तनाव दें, सांस छोड़ते हुए राइट साइड डाउन, कोहनी गर्दन के पीछे, अब लेफ्ट, अप राइट, अप लेफ्ट, अप राइट, अप लेफ्ट, अप, दोनों हाथ गर्दन के पीछे, एंटी प्रेशर, गर्दन को पीछे धक्का दें, हाथों को आगे, श्वास भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े, राइट हैंड राइट गाल पर, एंटी प्रेशर, श्वास भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े, लेफ्ट हैंड लेफ्ट गाल पर, एंटी प्रेशर, सांस भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े, दोनों हाथ समन्वय मुद्रा, हाथों को गोलाकार घुमाएं, आगे से पीछे कोने मिलाते, पूरा सांस भरे छोड़े, पुनः पूरा श्वास भरे पीछे से आगे, छोड़े पूरा श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए कौन मिला ले, भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े, राइट हैंड की कोहनी को लेफ्ट हाथ से ऊपर की ओर धक्का दे, छोड़े लेफ्ट अप डाउन, कमर के लिए लेफ्ट राइट, कमर गर्दन पूरा घुमाए, रिलैक्स, आराम से बैठे, कमर गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, प्राणायाम, पूरक रेचक कुंभक की क्रिया, पूरक का तात्पर्य पूरा सांस भीतर भरना, रेचक का तात्पर्य पूरा सांस रेचन कर देना, खाली कर देना, और कुछ नहीं बोलो वहां कुंभक करें अर्थात सांस को रोकें, हाई बीपी हार्ट की प्रॉब्लम वाले सांस रोकने का अभ्यास न करें, बाकी भी जिनको बेचैनी होती हो तुरंत सांस छोड़ें, जबरदस्ती सांस को न रोके, पूरा रेचक, पूरा रेचक, पूरा
nature. Pura. Nature. Pura. Nature, normal breathing, samanya swas praswas, kapal bhati, swas ko teji ke saath chhode, prayatna purvak chhode, jaise hi swas chhode, nabhi par chot ho, pet bhitar ki aur pichke, swas lene mein koi prayatna nahi. स्वाभाविक रूप से सांस लें, हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम वाले अथवा पेट का कोई अभी अभी ऑपरेशन किया हो तो सामान्य गति से करें, बाकी मध्यम गति से। थकान आ जाए, चक्कर से आने लगे, पेट में खिंचाव होने लगे, तुरंत रुक जाए। और फिर यदि आप चाहें तो 4-5 सेकंड के बाद पुनः प्रारंभ कंटिन्यू कर सकते हैं। करें पूरे मनोयोग पूर्वक कपाल बात। मंद श्वास, धीमे धीमे श्वास ले, धीमे धीमे श्वास छोड़े। मस्तिष्क में होने वाले प्रकंपनों का अनुभव, झनझनाहट का अनुभव, पुनः शरीर तैयार। संकल्प को साथ में जोड़े, जिस प्रकार का भी रोग, विकार, दोष शरीर के भीतर में हर झटके के साथ बाहर निकल रहा है, इसी प्रबल संकल्प के साथ पुनः अपनी सामर्थ्य अनुसार करें कपाल का।
रिलय मस्तिष्क में होने वाले प्रकंपनों का अनुभव, भीतर खालीपन का भाव, निर्विचार भाव, विचार जैसे खो गए, तिरोहित हो गए, वाम कपाल भाति, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तर्ज उंगली दोनों भ्रुकुटों के बीच, राइट नॉस्ट्रिल पर अंगूठा, केवल लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अपनी सामर्थ्य अनुसार कपाल भाति करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, मंद श्वास, दक्षिण कपाल भांति, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की ताजी मुड़ी दोनों मुद्रा विधि, लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर मिडल फिंगर, केवल राइट नॉस्ट्रिल से अपनी सामर्थ्यानुसार कपाल भांति करें, प्रारंभ करें। रिलय मंद श्वास, मध्यम कपाल भांति, दोनों नासापुटों से अपनी सामर्थ्य अनुसार 30 की गिनती के साथ करें कपाल भांति। मंद श्वास, वाम भस्ते का, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तर्जनी उंगली दोनों भ्रुकुटों, राइट नॉस्ट्रिल पर अंगूठा, लेफ्ट से ही सांस ले, लेफ्ट से ही छोड़े, श्वास लेने पर भी जोर, श्वास छोड़ने पर भी जोर, 8 बार, 90 बार में लेफ्ट से लेकर
राइट से धारण करें। Pare. धीरे धीरे राइस से छोड़े दिले मंद सा दर्शन कपाल भाती लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा राइट की तरह उंगली दोनों भ्रुकुटों के बीच लेफ्ट नॉस्ट्रल पर मिडल फिंगर केवल राइट से ही सांस लें राइट से ही छोड़े सांस लेने पर भी जोर सांस छोड़ने पर भी जोर आठ बार नवी बार में राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़े काम करें। परे धीरे धीरे लेफ्ट से छोड़े रिलैक्स दोनों हाथ ज्ञान मध्यम मस्तिष्क दोनों नासापुटों से पूरा सांस भरें पूरा खाली करें आठ बार नवी बार में सांस भरकर रोके बंद करें। हाई बीपी हार्ट की प्रॉब्लम वाले सांस रोकने का अभ्यास न करें प्रारंभ करें। बड़े धीरे धीरे छोड़े मंद सांस सूक्ष्म भस्त्रिका तेजी से श्वास प्रश्वास पेट का हलन चलन साथ साथ चले पेट में खिंचाव आए तो तुरंत रुक जाए धारण करें। रिलैक्स मंद सांस धीमे धीमे सांस ले धीमे धीमे सांस छोड़े पुनः शरीर तैयार पुनः अपने सामर्थ्य अनुसार करें सूक्ष्म वस्त्र का रिलैक्स मंद सांस
भीतर खालीपन का भाव, निर्विचार भाव, अग्निशा, श्वास को पूरा बाहर निकालकर बाहर रोक ले और पेट को भीतर बाहर हिलाए। हाई बीपी हार्ट की प्रॉब्लम वाले सांस को न रोके, पूरा सांस बाहर, पेट को हिलाए। रिलैक्स, मंद सांस, एक बार पूरा सांस बहा, पेट को जाए। मंद सांस, चंद्र भेदी प्राणायाम, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तर्जनी उंगली दोनों प्रकट होगी, राइट नॉस्ट्रल पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, लेफ्ट से धीमे धीमे सांस भीतर भरे, राइट से छोड़े, लेफ्ट से ले, 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 राइट से छोड़े, लेफ्ट से ले और राइट से छोड़े। दूसरी विधि चंद्र वेदी प्राणायाम, लेफ्ट से ले, लेफ्ट से ही छोड़े, लेफ्ट से ले, लेफ्ट से छोड़े, लेफ्ट से ले, लेफ्ट से छोड़े, लेफ्ट से ले, लेफ्ट से छोड़े, लेफ्ट से ले और राइट से छोड़े। दिले दोनों हाथ ज्ञान सूर्य भेदी प्राणायाम, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तर्जनी उंगली दोनों प्रकट के बीच, राइट नॉस्ट्रल पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, रीढ़ की हड्डी सीधी। हाई बीपी वाले इसका सीमित अभ्यास करें, 5-6 आवृत्ति ही करें, उसके बाद नहीं करें। राइट से धीमे धीमे सांस भीतर लें, लेफ्ट से छोड़े, राइट से ले, 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 लेफ्ट से छोड़े, राइट से ले और लेफ्ट से छोड़े। इसकी दूसरी विधि
राय सिने और राय से छोड़े, राय से ले, राय से छोड़े, राय से ले, राय से छोड़े, राय से ले, राय से छोड़े, राय से ले और लेफ्ट से छोड़े। दिले दोनों हाथ ज्ञान अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट हैंड ज्ञान राइट की तर्जनी मुझे दोनों प्रकृतियों के बीच राइट नॉस्टल पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, जीभ के डिसीज लेफ्ट से धीमे धीमे सांस भीतर भरे, राइट से धीरे धीरे छोड़े, राइट से ले, लेफ्ट से छोड़े, लेफ्ट से ले, राइट से छोड़े, राइट से ले, लेफ्ट से छोड़े, लेफ्ट से ले, राइट से छोड़े, राइट से ले, लेफ्ट से छोड़े, लेफ्ट से ले, राइट से छोड़े, राइट से ले और लेफ्ट से छोड़े। दिले दोनों हाथ ज्ञान हथेलियों में घर्षण, आंखों पे लगाएं, आंखों की हल्की मालिश करें और धीरे धीरे आंखें खोलें। लगभग आधा घंटे से ज्यादा आपको प्राणायाम करते हुए पैर आपके जाम हो गए होंगे, तो पैरों को एक बार खोल लें, पैरों को रिलैक्स करें, आगे पीछे गोलाकार विपरीत दोनों पैरों का आपस में टकरा, दोनों पैरों के बीच फासला, अंगूठा जमीन के लगाने की कोशिश करें, दोनों पैर मिला लें, एक एक घुटना आपका, दोनों घुटने एक साथ, दोनों पैर एक साथ गोर्दन एक साथ खोलें, रिलैक्स, पुनः आराम से बैठें, कमर गर्दन से भी रीढ़ की हड्डी से हमने कपाल भाती, भस्त्रिका, अग्निशा, सूक्ष्म भस्त्रिका,
जितने भी प्राणायाम किए ये प्राणायाम भीतर थोड़ी गर्मी बढ़ाते हैं, तो हम अब शीतली प्राणायाम करेंगे ताकि भीतर ठंडक भी पैदा हो। और ये अस्थमा वाले इसका प्रयोग न करें जिसको दमे की बीमारी है, सांस फूलता है, क्योंकि ये भीतर ठंडक बढ़ाता है, इसलिए अस्थमा वाले इसे न करें। जीवा को गोल घुमाकर कौवे की चोंच की भांति बाहर निकालें और मुंह के द्वारा सांस भीतर पिए और नाक के द्वारा बाहर निकालें। मंद श्वास, शीतकारी प्राणायाम। जीवा को दांतों के बीच में हल्का सा दबा दे और दांतों के छिद्रों से श्वास को भीतर खींचे और नाक के द्वारा बाहर निकाले। विलय मंद श्वास, काकी प्राणायाम। दांतों को आपस में मिला लें और दांतों के छिद्रों से सांस को भीतर खींचे और नाक के द्वारा बाहर। मंद श्वास, उच्चाई प्राणायाम। कंठ को संकुचित करते हुए, अवरुद्ध करते हुए कंठ से ही श्वास को भीतर खींचना है। श्वास की आवाज कंठ में हो और नाक के द्वारा बाहर निकालना है। कंठ की मालिश कर ले, गले के भीतर खराश पैदा हो जाती है, तो इसकी जरा मालिश कर ले। भ्रामरी प्राणायाम। दोनों कानों को अंगूठों से बंद करेंगे, सारी उंगली आंख पर, मध्यमा नाक पर और शेष उंगलियां मुंह पर, और नाक से भौरे के गुंजन की तरह लयबद्ध आवाज करनी है 5 बार। स्वयं की आवाज स्वयं ही सुने, लंबा गहरा श्वास ले। Thank you.
नाड़ी शोधन प्राणायाम ज्ञान मुद्रा राइट की चार उंगली दोनों ग्रुप जो गति राइट नॉस्ट्रिल पर उठा लेफ्ट पर मिडल फिंगर रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। श्वास की गति इतनी मंद हो कि स्वयं के श्वास की आवाज भी स्वयं को न सुनाई पड़े। लेफ्ट से धीमे धीमे श्वास भीतर भरे। लेफ्ट से ही धीरे धीरे छोड़े। राइट से ले। राइट से ही छोड़े। लेफ्ट से ले। लेफ्ट से ही छोड़े। राइट से ले। राइट से ही छोड़े। लेफ्ट से ले। लेफ्ट से ही छोड़े। राइट से ले। राइट से ही छोड़े। लेफ्ट से ले। लेफ्ट से ही छोड़े। राइट से ले। और राइट से ही छोड़े। ले ले दोनों हाथ ज्ञान अति आंख पे लगाए। ये चार आंखों को टिमटिमाए और धीरे धीरे खोले। एक बार कमर को पूरा वापस घुमाए। रिलैक्स। लेट कर किए जाने वाला आसन अपने स्थान पर लेट जाए। थोड़े आसन करेंगे। आज मूल प्राणायाम का सेशन था। आज थोड़े थोड़े आसन करेंगे। दोनों पैर मिला है। दोनों हाथ साधन के पास। पतेलियां जमीन से लगेगी। उत्तान पाद आसन। सांस बढ़ते हुए दोनों पैर 30 डिग्री अप। कुंजे आदि को खींचे हुए दृष्टि पैर के अंगूठों पर। पेट में होने वाले तनाव का अनुभव, खिंचाव का अनुभव,
slowly down, relax. Taya. Puna 30 degree, saans bhartte hue, up. Ek, do, teen, chaar, panch, chhe, saat, aath, nau, aur das. Slowly down. Relax. Taya. 60 degree. सांस बढ़ते हुए अप, कंधे आगे की ओर खींचे हुए, घुटनों को सीधा रखने की कोशिश, पेट में होने वाले तनाव का अनुभव, टांग में आने वाले खिंचाव का अनुभव, स्लो डाउन, रिलैक्स, तैयार, पुनः 60 डिग्री, सांस बढ़ते हुए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ और दस स्लोली डाउन रिलैक्स तैयार अर्धहलासन सांस बढ़ते हुए दोनों पैर एक साथ 90 डिग्री अप एकदम सीधा नॉर्मल विधि सामान्य सांस प्रथा दृष्टि पैर के अंगूठों पर पंजों को ऊपर की ओर खींच के रखें स्लोली डाउन रिलैक्स दोनों हाथ गर्दन के नीचे दोनों पैर मिला लें सर्वाइकल पेन वाले गर्दन में उठाएं बाकी सभी उठाएं सांस छोड़ते हुए गर्दन अप छुट्टी को कंठ से लगा दें पैर के अंगूठों की तरफ देखें सांस भरते हुए डाउन अप डाउन अप down up down दोनों पैर फोल्ड कर दोनों पैर निशान के पास दोनों पैर एक साथ लेफ्ट साइड डाउन गर्दन राइट साइड सीधा राइट साइड डाउन गर्दन लेफ्ट सीधा लेफ्ट गर्दन राइट सीधा राइट गर्दन लेफ्ट सीधा लेफ्ट गर्दन राइट सीधा राइट गर्दन लेफ्ट सीधा और रिलैक्स दोनों पैर खोल लें कोहनियों के बल बैठ जाएं पूरा वजन कोहनियों पर दोनों पैर एक साथ 60 डिग्री अप योगिक साइकिलिंग करें विपरीत उल्टा और रिलैक्स शरीर को ढीला छोड़ धीरे धीरे लेफ्ट करवट बदलते हुए पेट के बल लेते हैं भुजंगासन दोनों हाथ कंधे के समानांतर एक एक फुट की दूरी पर गला जमीन से स्पर्श श्वास भरते हुए सीने केवल गर्दन अप मुंह से उत्काटते हुए सांस छोड़े सांस भरते हुए सीने का पूरा भाग अप दृष्टि सामने पुनः श्वास भरते हुए सीने का पूरा भाग अप डाउन
हाथ नजदीक रहे। हथेलियों के बीच 4 से 6 इंच की दूरी हथेलियों को सीने के नीचे स्थापित कर दे। सांस भरते हुए केवल गर्दन अप, दूर से श्वास छोड़े। सांस भरते हुए नाभि तक का बाहर अप, दृष्टि छत की ओर। पुनः एक बार सांस भरते हुए नाभि तक का बाहर अप, डाउन। धीरे मकर स्थिति में फाइन मारे के फ्लैट राइट से प्रारंभ करें। अप डाउन, 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 अप डाउन। दोनों को एक साथ श्वास भरते भुजंगासन अप, श्वास छोड़ते शशांकासन, ललाट जमीन से एक पार, श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते आराम से बैठिए। सिद्धासन, लेफ्ट बैक की एडी को कसकर भुजा द्वार पर लगा दे। राइट बैक की एडी लेफ्ट बैक की एडी के ऊपर एडी एकदम सेंटर में, कमर गर्दन सी, दृष्टि दोनों भ्रुकुटियों के बीच। 5 श्वास प्रश्वास गिने। नॉर्मल ब्रीदिंग, स्वस्तिकासन, लेफ्ट पैर के पंजे को राइट घुटने के बीच में फंसा रहे, एकदम घुटने के बीच और राइट का पंजा लेफ्ट घुटने के बीच में फंसा रहे, बीच में एडी क्रॉस हो जाए, स्वस्तिक की तरह आकृति, इसका नाम है स्वस्तिकासन। कमर गर्दन सीधी, दृष्टि नासाग्र पर, नाभ के अग्रभाग पर देखे और 5 श्वास प्रश्वास के लिए। अर्ध पद्मासन, लेफ्ट पैर नीचे और राइट पैर ऊपर, राइट की एड़ी नाभि के नीचे आ जाए, कमर गर्दन सीधी, चाटक का अभ्यास, किसी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को टिका दें और बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहें, आंखों में पानी आए तो आने दें।
धीरे धीरे कोमलता से आंखों को बंद करें। आंखों के सामने जो भी रंग दिखाई दे रहे हैं मात्र देखिए, भीतर ही भीतर, और धीरे धीरे खोलें। दोनों पैर मिला, दोनों हाथ घुटनों पर, लेफ्ट राइट। क्योंकि बुद्ध की शिक्षाएं कर्म कांडों के विपरीत थी तो उन लोगों का धंधा बंद हो गया, तो उन्होंने गौतम बुद्ध को वहां घेर लिया और बहुत सारी गालियां दी, गालियां देते रहे और भगवान गौतम बुद्ध सुनते रहे। और बहुत देर जब हो गई तो भगवान ने कहा कि आपकी आज्ञा हो, आपका काम पूरा हो गया हो तो मैं जाऊं, मुझे अगले गांव जाना है। उन्होंने कहा पर आपने कोई जवाब नहीं दिया, इतनी सहजता से आप कैसे कह सकते हैं, हमने आपको इतनी गालियां दी, इतना कुछ भी उत्पटांग कहा, लेकिन आपने उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा आज से अगर 10 साल पहले मैं इस गाँव में आया होता और आपने तब गालियां दी होती तो शायद मैं उसका प्रत्युत्तर देता दे देता, लेकिन क्योंकि तो मैं अब स्वयं जानता हूं मैं कौन हूं तो मुझे गाली देने की कोई अपेक्षा नहीं है। आपको मालूम है कोई भी चीज, अभी मैं पिछले ही गांव जाके आ रहा हूं, वहां के लोगों ने मेरे लिए उपहार लाए थे, मिठाइयां लाए थे, मैंने कहा मुझे स्वीकार नहीं क्योंकि मैंने मेरा पेट भरा हुआ है, तो उन लोगों ने क्या किया होगा, लोगों ने कहा आप निगर ले गए होंगे, फिर क्या क्या होगा, अपने बच्चों को डांट दी होगी, तो बस मैंने स्वीकार नहीं की। और जब तक स्वीकार नहीं करते, अब गालियां आपने दी है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं की, और मैंने नहीं स्वीकार की तो आप सोचो उस गालियों का आगे क्या होगा। एक वर्तुल जब तक पूरा नहीं होता है तब तक संपूर्ण क्रिया पूर्ण नहीं होती। किसी को क्रोध आ गया और वो नहीं निकाले तो उसका भीतर ही भीतर विकार पैदा होने लगेंगे, लेकिन अगर उस क्रोध को, उस ऊर्जा को, क्रोध की ऊर्जा को वो रूपांतरण कर ले और सद काम में लगाते तो निश्चित ही उसके भीतर एक ऐसा घटित होगा जो अपना आप आनंदित होने लगेगा। तो बुद्ध ने कहा तुम्हारा गालियां मुझे क्रोध नहीं गिरा सकती क्योंकि मैं अपने नियंत्रण में हूं। अगर आप अपने नियंत्रण में नहीं है, आपको कोई दूसरा गाली दे और आपको क्रोध आता है, इसका मतलब आप दूसरे के द्वारा संचालित हो रहे हैं, स्वयं के द्वारा संचालित नहीं हो रहे। आपको जो चाहे जैसा कर सकता है, तो अपने मन को अपने नियंत्रण में रखें ताकि निश्चित ही हम अपने जीवन का उद्धार कर पाएंगे। हम करेंगे ध्यान जिसमें क्रोध को हम समन कर सके, ऐसा एक ध्यान। आराम से बैठे, दोनों हाथ विद्रा मुद्रा, आंखें कोमलता से भर, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे, एकदम ढीला छोड़ दे और ढीला छोड़ दे। कहीं कोई तनाव नहीं, अकड़न नहीं, दर्द नहीं, खिंचाव नहीं, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। चित्त को ज्योति के ललाट के बीचों बीच केंद्रित करें, वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग के अक्षरों में इस मंत्र का दर्शन करें और साथ साथ उच्चारण करें। एक बार आप सुन लें और फिर साथ साथ उच्चारण करते हुए श्वेत रंग के रंगों में, श्वेत रंग के अक्षरों को देखें। ओम शांते प्रशांते सर्व क्रोधो पशमने स्वाहा, ओम शांते प्रशांते सर्व क्रोधो शमनी स्वाहा।
ओम शांति प्रशांति सर्व क्रोधो उपशमने स्वाहा। ओम शांति प्रशांति सर्व क्रोधो उपशमने स्वाहा। ओम शांति प्रशांति सर्व क्रोधो उपशमने स्वाहा। ओम शांति प्रशांति सर्व क्रोधो उपशमने स्वाहा। ओम शांति प्रशांति सर्व क्रोधो उपशमने स्वाहा। ओम शांति प्रशांति सर्व क्रोधो उपशमने स्वाहा। ओम शांति प्रशांति सर्व क्रोधो उपशमने स्वाहा। ओम शांति प्रशांति सर्व क्रोधो उपशमने स्वाहा। ओम शांति प्रशांति सर्व क्रोधो उपशमने स्वाहा। ओम शांति प्रशांति सर्व क्रोधो उपशमने स्वाहा। ओम शांति प्रशांति सर्व क्रोधो उपशमने स्वाहा। शांति। क्रोध मेरा मूल स्वभाव नहीं, मेरा मूल स्वभाव शांति है। 24 घंटे में क्रोध की घड़ियां कितनी आती है? मुश्किल से 10 मिनट, 15 मिनट, वह भी मुश्किल से। बाकी तो शांति की ही घड़ियां रहती है, लेकिन वो 15 मिनट या 10 मिनट का क्रोध मेरी 10 घंटे की ऊर्जा को समाप्त कर देता है, 10 घंटे की शांति को समाप्त कर देता है। अतः मुझे अपने भीतर शांति को व्यक्त करना है, न कि क्रोध को। क्रोध का मेरे भीतर कोई स्थान नहीं। जब जब भी मुझे क्रोध आए तो मैं लंबे गहरे सांस को, ताकि क्रोध का शमन वही अपने आप हो जाए। दीर्घ श्वास के साथ क्रोध कभी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। जब जब भी क्रोध की घड़ी आती है तो मेरे श्वास की गति बढ़ जाती है। अगर मैंने अपनी श्वास की गति को नियंत्रण में कर लिया तो मैं निश्चित ही क्रोध से छुटकारा पा लूंगा। मेरे भीतर मैत्री का भाव, सबके प्रति मैत्री का भाव, स्वयं के प्रति भी मैत्री का भाव, दूसरों के प्रति भी मैत्री का भाव। और जैसे जैसे मैत्री का भाव घटित होगा वैसे वैसे भीतर शांति व्याप्त होगी, आनंद व्याप्त होगा। अतः मैं संकल्प करता हूं मैं अपने भीतर शांति को स्थापित करूंगा, क्रोध को तिरोहित करूंगा, क्रोध को तिलांजलि दूंगा। दूसरों के द्वारा मैं अपने आप को संचालित नहीं होने दूंगा। मेरा नियंत्रण स्वयं पर रहेगा। शरीर के चारों श्वेत रंग के परमाणु को देखें। पूरा आभा मंडल श्वेत रंग के परमाणु से भर गया है। श्वेत रंग शीतलता का प्रतीक, शांति का प्रतीक।
अपने भीतर आनंद की अनुभूति करेंगे, प्रसन्नता का भाव हो। दो तीन लंबे गहरे श्वास लें, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ लें। शरण सूत्र, अरहंते शरणं पवच्यामि, सिद्धे शरणं पवच्यामि, साहु शरणं पवच्यामि, केवलीकणत्तं धम्मं शरणं पवच्यामि। ओम परमेश्वरी नमस्कार। ओम रें नमो अरहंतानं, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ओम रें नमो सिद्धानं, सांस भरते हुए ऊपर मुद्रा बनाए, सांस छोड़ते हुए नीचे। ओम रें नमो आयर्यानं, सांस भरते हुए दोनों हाथ साइड पे, सांस छोड़ते हुए। ओम रें नमो वज्रायाणं, सांस भरते हुए निमेश दृष्टि से ऊपर देखें, सांस छोड़ते हुए। ओम रें नमो लोए सर्वसाहुनं, अंजलि मुद्रा, सांस भरते हुए ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए अर्पण कर दें। दोनों हाथ जोड़ें, अपने आप को भावित करें, सभी उच्चारित करें, मैं ज्ञानमय हूं, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत ज्ञान का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। ओम अरहम 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 नमः। बस अपने भीतर धीरे से हास्य को प्रस्फुटित कर ले। ओम अरहम सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन परे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम। आज का दिन हम सबके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, आनंददायक हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम अर्पण।